और खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों पर एक नजर डालते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2017 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज को पीछे छोड़कर चैंपियंस ट्रॉफी में जगह बनाई है। साल 2015 बांग्लादेशी क्रिकेट के लिए काफी बेहतरीन साबित हुआ। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराने के बाद घरेलू वनडे सीरीज में बांग्लादेश ने पाकिस्तान, अफ्रीका और इंडिया को हराकर अपनी रैंकिंग में सुधार किया। दो वर्ल्ड कप जीत चुके वेस्टइंडीज की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पहली बार क्वालिफाई नहीं कर सकी। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले T20 मैच शुक्रवार को धर्मशाला में खेला जाएगा। टीम इंडिया अपने इस अभियान की शुरुआत जीत से करना चाहेगी। अफ्रीका टीम भी अपने इस 72 दिन के भारत दौरे पर जीतने के लिए मैदान में उतरेगी। दक्षिण अफ्रीका के पास डिविलियर्स, अमला और मिलर जैसे बल्लेबाज हैं, तो वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया की उम्मीदों का दारोमदार रोहित धवन और कोहली पर होगा। बीसीसीआई के पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के लिए विदर्भ के शशांक मनोहर के नाम पर मुहर लगाई है। सूत्रों की माने तो जेटली की अध्यक्षता में मुंबई में हुई एक बैठक में जेटली ने यह निर्णय लिया। बैठक में बोर्ड सचिव अनुराग ठाकुर, शशांक मनोहर और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय शिर्के उपस्थित थे। गोल मशीन के नाम से मशहूर स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर का 500वां गोल पूरा कर लिया। चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड की ओर से खेलते हुए रोनाल्डो ने स्पेन क्लब माल्मो के खिलाफ पहले हाफ में गोल करके अपना 500वां गोल का आंकड़ा छू लिया। रोनाल्डो ने स्पेन के पूर्व खिलाड़ी राहुल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। राहुल ने रियल की तरफ से खेलते हुए लिए रिकॉर्ड 323 गोल किए थे।